कुल्लू जिला को स्वच्छता में अग्रणी बनाने के लिए प्रशासन ने 10 दिवसीय अभियान की घोषणा की है। कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने बताया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत होगी। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान में अव्वल रहने वाली संस्थाओं और पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम अभी 5 तारीख से 15 के बीच में पूरे जिला स्तर पे एक व्यापक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं कि हमारा हर गांव और हर अर्बन एरिया चौक चौराहा हमारा स्वच्छ हो जाए। हालांकि स्वच्छता जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हर दिन करना होता है, ना कि एक 10 या 15 दिन का अभियान होता है। बट फिर भी हम अब एक विशेष अभियान बीच बीच में जैसे हमने जून के महीने में भी चलाया था, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी 5 तारीख को जैसे हमारा टीचर डे है, उस दिन हम सभी जिला में पूरे गली मोहल्ले में अपना स्वच्छता अभियान छेड़ेंगे और स्क्वाड्स बना के हम ग्रुप बना के इसमें अपनी एक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एनजीओस का खासकर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मीडियाज को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। और जो हमारा स्वच्छता का कैंपेन है इसको एक मास कैंपेन बनाएंगे ताकि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं जिले के और इम्प्रूव कर जाएं, स्वच्छता हमारे जिले में और बढ़े। और इसके अलावा हमने हमारे जो भी वार्ड, चाहे अर्बन एरिया का वार्ड है या ग्राम पंचायत है, इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी, चाहे वो अवेयरनेस फैलाने में, कूड़ा कचरा को प्रबंधन में, साइंटिफिक वे में प्रबंधन में, हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। चाहे हमारा जो एनजीओ है वो इसमें रोल पार्टिसिपेट करेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं खुद और मेरे जिला के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को और जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी को बोला है कि अपने अपने एरिया में ग्रुप में एक पंचायत को इसमें अडॉप्ट करें स्वच्छ भारत मिशन के एंगल से, जो वहाँ पे ताकि हमारी जो स्वच्छता दूत है काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करें, पंचायत सेक्रेटरी और जितना भी स्वच्छता के कार्यक्रम है उनको मॉनिटर करें। एक तरह से उस गांव को गोद लेने वाला काम हो जाएगा। अगर किसी भी ऑफिसर्स की, किसी भी पर्सनल की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो हो सकता है वो प्रोग्राम हमारे और तेज गति से चले और वहाँ कचरा कम से कम। हालांकि कुल्लू प्रशासन पहले भी स्वच्छता अभियान चलाता रहा है, लेकिन इस बार संगठित तौर पर पूरे जिला में इस अभियान को गति दी जाएगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज की रिपोर्ट।